हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हेल्दी नाश्ता और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। इसे बड़े या बच्चे दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और इसे हम कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर हम तैयार कर लेते हैं हेल्दी नाश्ता। इसके लिए हम ब्रेड लेंगे। अब इस ब्रेड के ऊपर हम एक जार का कैप लेंगे और इसके ऊपर रख के दबा देंगे और इस तरीके से हम इसे गोल शेप में हम इसे कट कर लेते हैं। और ये देखिए, दोनों ही ब्रेड हमने इसी तरह इसी शेप में हमने कट कर लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे। अब हम बॉल में डालेंगे एक चम्मच मेयोनेज, एक चम्मच हम और इसमें ऐड करेंगे, यानी कि टोटल हम दो चम्मच इसके अंदर मेयोनेज डालेंगे और एक चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सॉस। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका एक पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, यह देखिए इस तरीके से। अब हम ब्रेड लेंगे और एक चम्मच हम इसका पेस्ट हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। ब्रेड के ऊपर हमने चारों तरफ इस तरीके से हमने फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, बॉईल किया हुआ वीट इसके ऊपर इस तरीके से हम फैला देंगे, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर फैला देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, बच्चे या बड़े दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये मैंने आलू के स्लाइस हैं मैंने फ्राई कर रखे हैं, उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। सभी फ्राई किए हुए आलू को स्लाइस को हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर रखेंगे जिसे मैंने पीस में मैंने कट कर रखा है, टमाटर का एक और पीस हम रखेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे खीरा, खीरा के भी हम दो स्लाइस रखेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार कर रखा है उसे हम चारों तरफ से इस तरीके से फिर से हम लगा लेते हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे पनीर। पनीर का एक हमने स्लाइस कट कर लिया है और इसे हम इसके ऊपर रखते हुए जो ब्रेड का स्लाइस है उसे भी हम इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा हाथों से हम अपने प्रेस कर लेंगे, दबा देंगे और इसे हम डेकोरेट कर लेंगे सॉस से। ये देखिए मैंने सॉस लिया है जिसे मैंने इस तरीके से हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे बीट जो हमने ग्रेट कर रखा है, उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और ये इस तरीके से हमने एक बर्गर के शेप में हमने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है और ये बच्चों या बड़े दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को भी यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और बहुत ही ज़्यादा यह हेल्दी भी है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।